सर, मरियम साहिबा वजीराला पंजाब, क्या देख रहे हैं हालात आने वाले मुस्तकबिल? ये नहीं बदल सकते, ये नहीं बदल, इन्होंने देखो क्या किया है कि मुल्क के लिए क्या किया। ये हमको ये मोटरवे नहीं चाहिए, हमको ये मेरा मतलब हमको ये अब खाने के लिए हमको चाहिए और हमारा कोई मुतालबा नहीं है। ये जो मोटरवे बनाए हुए हैं उन्होंने, वो ये गरीब आदमी वहाँ वो कारें मोटरें लेकर जाएगा, वो पेट्रोल ले उधर से, मेरा मतलब जो अमीर आदमी है वो ही डलवाएगा। ये मोटरवे उनके लिए है, गरीब को तो खाने के लिए चाहिए बस। आसानी होगी, महंगाई टूटेगी, नून लीग के बाद महंगाई, ये मेरी बात याद रखना, ये मेरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये महंगाई इससे ज्यादा और ऊपर जाएगी। ये इन्होंने इन्होंने झांसा दिया है कि ये नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और महंगाई को ख़त्म करेंगे, बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा, ये ख़त्म नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सर, नवाज शरीफ साहब कहाँ आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म? ये मरियम नवाज के पीछे कौन है, इनको लाने वाले कौन है, मरियम नवाज को इनको लाने वाले कौन है, ये आप बताएं ना, मैं आपसे सवाल करता हूँ। तो फिर जवाब दे रहे हैं कि लाने वाले भी हम लोग ही हैं, कोई दूसरा नहीं है, हमारे गरीब आदमियों के 20-20 साल के जो है ना मुकदमे वो अदालतों में है, ये आए और रातों रात ये अदालतें लग जाए और ये मुकदमे सारे खत्म। 20-20 साल के हमारे मुकदमे अभी तक मेरा ये जो फंदा जो है ना, ये गरीब आदमियों के लिए है, इनके लिए नहीं है। मैडम मसला ये है कि गरीब का तो परेशान हाल कोई नहीं है, जो मर्जी कर रहे हैं, ये लोग ढुंडोरा पीट रहे हैं, पीट ही जाए, वो अपनी मर्जी करेंगे। तो दुआ करो कि अल्लाह कोई अच्छा मुल्क के लिए आए। नवाज शरीफ आए, सरदारी आए, कोई भी आए, इमरान खान आए, सब जाए जहन्नम में, हमें इनसे कोई गरज नहीं। हमें तो लीडर जो है ना ये आते जाते रहते हैं, हम लोग सब जो है ना ये दुआ करें, ये मुल्क है तो हम हैं, ये लीडर आते जाते रहते हैं। अगर ये मेरा मतलब भी का मुआजना करना चाहते हैं तो कश्मीरी मुसलमान कश्मीरियों के उनसे पूछें आज़ादी क्या चीज़ है, हम अपने आप को आज़ाद कहलाते हैं, क्या आज़ाद है, उनसे पूछे जो इंडिया में मजलूम है मुसलमान। सर, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, क्या उम्मीदें, कैसा देख रहे हैं? ये असल में ना कि ये जो ना ये सब चोर है, ठीक है, असल में जो हमारे हुक्मरान ये नहीं है, इनके ऊपर जो है वो चोर है, उनका हम फिर भी खुश नसीब है कि हम अपने 20 बच्चों में रात को जाकर सोते हैं। कोई भी चोर है उसके 20 बच्चे उसके घर में नहीं होते, वो उसको छोड़ के दूसरे मुल्कों में भाग के, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई किधर बैठा है। अल्लाह का शुक्र है हम अपने घर में सो रहे हैं, अपने बच्चों में सो रहे हैं। ये लोग मुल्क लूट के भी अपने बच्चों में नहीं सोते, ये खुश नसीब लोग नहीं।